अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुल कयूम और आप देख रहे हैं AHP ऑफिशियल यानी ऐसा है पाकिस्तान। मैं आज मौजूद हूं मुस्तफ़ा जोगी साहब के साथ, मुस्तफ़ा सांप वाले के पास। वैसे मुझे भी पर्सनली स्नैक फोबिया है, स्नैक से बहुत डर लगता है बचपन से ही, लेकिन आज रात से करने का इनकार आता है। हाँ, आज रास्ते से गुजर रहा था, लाहौर पार्क आया था तो वापस जा रहा था, तो रास्ते में बैठे हुए बाबा जी को देख के खुशी भी हुई और सोचा कि स्नैक के बारे में कुछ मालूमात भी इनसे लेते हैं। सो मेरा तारुफ इतना ही था, अब मज़ीद बाबा जी से पूछते हैं वो कब से यहाँ पे हैं, कौन कौन से स्नैक्स हैं, किस तरह से उनका जहर वगैरह निकालते हैं, यानी कि मुकम्मल तफसील जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो हमारे साथ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जी। वालेकुम अस्सलाम जी। की नाम बाबा जी अपना? गुलाम मुस्तफ़ा जी। अच्छा बाबा जी, कितनी देर पर तुसी इत्थे अपना? 2 साल तो। सही, ते केड़ा केड़ा सांप है अपने? ये छोटा वाला जनाबे वाला रसल वेपर है, बड़ा वाला कोबरा है, जिनको इंग्लिश में से बोल देते हैं कि किंग कोबरा, स्नेक, ब्लैक कोबरा। अच्छा अच्छा, हाँ जी। एक ही तुसी फड़े ने की कई तो लोग कह देते हैं कि जी बीन के ऊपर स्नेक मस्त हो जाते हैं, हम बोलते हैं कि जी सब बकवास है, झूठ है। अच्छा, इंग्लिश में से बोलते हैं कि जी स्नेक अपनी मूवमेंट के लिए हरकत माने तो ठीक है, नहीं तो जी बीन में जाना तो हमारी रुक जा रहे, ये सब बीन वाला झूठ है, चक्कर है। उनसे बात यह है कि उन्हें दंदा वाला जड़ा पंजाबी च दस दिए जी, जनाब वाला दंद कट दे देने, बाद वेचे लड़ नहीं सकता। इंग्लिश में से बोलते हैं कि जी नो पोहाजा, नो टचिंग, नो प्रॉब्लम। अच्छा, अगर जिस वेले दे दांत निकाल देते हैं, बाद में इनका कोई चक्कर नहीं है दांत का या डसने का, इनमें से जहर वगैरह सारा कुछ खत्म कर देते हैं जी। कई लोगों का जनाब हम लोग फोबिया दूर कर देते हैं, डर अल्लाह की जात पाक का होता है जी। हाँ जी, अब ये हमारे पास 2 कलर का सांप है, एक बड़ा वाला कोबरा है, छोटा वाला रसल वेपर है, जो रेगिस्तान में होता है, रेत में। हाँ जी, ये लो मैं आपसे दिखा देता हूँ जी। ये देखो जी, जिनको इंग्लिश में से बोलते हैं कि जी किंग कोबरा, स्नेक, ब्लैक कोबरा। लो जी, अगर सांप का बीन का कोई कनेक्ट नहीं है, ये है कि सांप दस जाए तो ऊपर से दवाई लगा सकते हैं, या वो जो मनका होता है वो लगा सकते हैं। दवाई कितने मिल रही है? दवाई भी हम लोगों की बनाते हैं। अच्छा अच्छा, सही नहीं हम मिसाल के तौर पर एक बंदा तुसी दूर हो। अच्छा अच्छा, नहीं बाबा जी अगर तुसी दूर हो फासले तक बंदे ने सांप लड़ जाए तो फौरी तौर पे की करे? तो वो जगह बांध देते हैं, उसी जगह को बांध दे, ताकि जहर आगे ना जाए। हां, जहर आगे ना जाए, फिर वो नाड़े चलनियां बंद हो जाती हैं ना। ठीक है, घर दे आंदे तक जड़ा है कि घर पहुंच कर ब्लेड के साथ में 2-4 टक लगा लो, जो भी गंदा खून है, जहर वगैरह सारा खत्म हो जाए, निकल जाता है। अच्छा, बाद पे 2-3 प्याज खिला दो, थोड़ा सा घी पिला दो, अल्लाह खैर कर देता है, डॉक्टर के जाने की जरूरत नहीं। सही, तो बाद में वो जो जख्म होता है वो तो 2-3 दिन अपना नीम के साथ धो लें तो अल्लाह खैर कर देते हैं। तो बाबा जी, जितनी भी नस्ल के सांप होते हैं सब जहरीले होते हैं? नहीं, कुछ नस्लों के जहरीले नहीं होते, कुछ नस्लों के जहरीले होते हैं। अच्छा, चलें जी, बहुत शुक्रिया थी आज की छोटी सी वीडियो बाबा जोगी साहब के साथ। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और स्नैक्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगेबान, पाकिस्तान जिंदाबाद। ओके जी, ओके।